शहीद है पहला गेंदबाज, फ्रंट लाइन का यह स्ट्राइकर गेंदबाज अपने दाहिने हाथ से अंपायर के बाएं जाने से गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, जबकि स्ट्राइकर बल्लेबाज साहिल अवधूत, ऐसी प्रारंभिक जोड़ी इस वक्त बीच मैदान पर। सईद पहली गेंद के लिए तैयार, जी हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी और पिच गेंद थी, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था, लीडिंग एज लगी थी और डिक्लेयर जोन में गई थी, घोषित क्षेत्र में गई थी, जहां पर एक रन बल्लेबाज साहिल को प्राप्त हुआ। सिंगल की सहायता से स्कोर का आगाज हुआ है और अपने निजी स्कोर का भी खाता ओपन किया है। एक रन, एक बहुत ही अच्छे जर्सी का कलर हम देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ब्लू मैन इन ब्लू नजर आ रहे यंगस्टर कुसगांव की टीम। सईद अपने ओर के अगली गेंद बाएं जाने से अंपायर के, जी हाँ, इस बार भी हवा में गेंद, रिपीटेड शॉट खेला है, फिर से एक मरतबा सिंगल, रन से इतफाक करना पड़ेगा। फिर से एक मरतबा देखिए, बल्ले का बाहरी किनारा लिया था गेंद ने और फ्लाइंग स्लिप से होती हुई घोषित क्षेत्र में निकल गई थी। दोनों ही गेंदें बहुत ही बढ़िया लाइन से की थी, सटीक दिशा से की थी, जिसके कारण हमने देखा केवल दो सिंगल यहां पर प्राप्त हुए। सईद अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी फुलटस, लो फुलटस गेंद थी, हल्की सी लोअर फुलटस गेंद पहले हवा में थी, फिर बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की बन गई थी, यानी कि एयर स्विंग यॉर्कर जिसको कहते हैं, हवा में थोड़ी सी लहरा रही थी गेंद, और जिसके कारण फिर से एक बार तब केवल सिंगल रन यहां पर प्राप्त हुआ और इस तीन सिंगल के साथ रनों की संख्या 3 रन बगैर कोई नुकसान के पहला ओवर अपने प्रगति पर। 3 गेंदें भी हो चुके सईद के इस अपने पहले ओवर के कोटे की। सईद फिर से अपने बॉलिंग मार्क के निशाने पर दौड़ना शुरू किया, इस बीच अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खेला है, गेंद ट्रैवल कर रही है, गेंद निकल जाएगी अंदर आती हुई, नहीं शायद गेंद अंदर रुकी है, बैड लक कहेंगे बल्लेबाज अवधूत के। इस बीच अवधूत ने बड़ी तेजी के साथ 3 रन मुकम्मल किए, साहिल और अवधूत ने, दोनों के दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिला। इस 3 रन की सहायता से रनों की संख्या 6 बगैर कोई नुकसान के। चार गेंदें हो चुकी है स्कोर कार्ड पर, 6 रन लग चुके हैं। सईद फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था, भाग्यशाली हो गए। साहिल का कैच होते होते बच गया दोस्तों, भाग्य का साथ है साहिल के साथ, तो फिर डरने की क्या बात, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था। और सईद ने, मैंने एक देखा हूँ इस ओवर में, अगर सईद के गेंदबाजी की बात की जाए, विचार किया जाए, तो सही सईद ने शाहिद को बिल्कुल सेम, साहिल को सेम दिशा पे गेंदबाजी की थी, तीनों बार ही बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था, बाहरी किनारा लिया था बल्ले ने। इस बार हवा में गेंद लहरा रही है, गेंद फलक में, जान हलक में साहिल की, और फर्स्ट अटेम्प्ट पे रिले कैच ले लिया यहाँ पर यंगस्टार कुसगांव के खिलाड़ियों ने। 2-3 खिलाड़ी एक साथ जमा हो गए थे और जिसके कारण बल्लेबाज को यहाँ पर आउट होना पड़ेगा। डीजे मास्टर दिनेश को यहाँ पर एक अच्छा संगीत सुनाने का मौका था, लेकिन शायद लंच ब्रेक लिया है दिनेश ने, फौरन लौटेंगे ऐसे हम उम्मीद करते, क्योंकि कल जो इस समय गायब हुए थे तो फिर उनका कहीं पर नामो निशान नहीं था, लेकिन आज दिनेश लौटेंगे ऐसी उम्मीद तो हम करते हैं, क्योंकि आज एसोसिएशन के मुकाबले हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर दर्शकों की तादाद में भी इजाफा होगा। पहले विकेट का पतन यहाँ पर, 6 रन के स्कोर पर पहला विकेट खोया है शिवाई 11 बिजगर के टीम ने। इस सदमे से बल्लेबाजों को निकलना होगा, क्योंकि अवधूत ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था मिड विकेट के क्षेत्र में और 3 रन मुकम्मल किए थे। पहला
पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर खत्म, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की अगर बात की जाए डीके सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला ओवर यंगस्टार कुसगांव के पक्ष में गया है। एक ट्रिपल रन आने के बावजूद भी टोटल अगर स्कोर की बात की जाए तो इस वक्त केवल 6 रन नजर आ रहे स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया में लेकिन कोई दरिया जाकर किसी समंदर में नहीं गिरता। लेकिन यहां पर सिकंदर की गेंद का समाचार लिया है। पहली ही गेंद को अवधूत ने बहुत ही खूबसूरती के साथ जड़ दिया, एक शानदार छक्का। गेंदबाज के सर के ऊपर से सीधे खेला हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद थी, देखिए कंधे का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी सिकंदर ने। कद छोटा होने के कारण अक्सर ऐसा होता है कि गेंद छोटी डिलीवरी होती है और बैक फुट से जिस तरह से पंच किया है, अपनी मसल पावर दिखाई यहाँ पर अवधूत ने। अवधूत की अगर निजी स्कोर की बात की जाए तो 2 गेंदों में 9 रन बनाने वाले बल्लेबाज है अवधूत। सिकंदर अगली गेंद, फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, लॉन्ग लेग से होती हुई गेंद, फिर से रिजल्ट सेम आता हुआ एक और दंदनाता हुआ षटकार। गेंदबाज सिकंदर इस वक्त थोड़े से दबाव में हो गए क्योंकि 2 गेंदों पर 2 बड़े छक्के जड़ दिए अवधूत ने। लेकिन गेंदबाज को मायूस नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। फिक्र करता है कि फिक्र से होता है क्या, अब कर ले खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। अच्छी गेंद थी, देखिए वापसी जरूर किया सिकंदर ने। धीमी गति की गेंद थी, पहले ही मन बना लिया था अवधूत ने। 18 का स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ही मन बना लिया था उसी दिशा में खेलने का और गेंद धीमी गति की आई, गेंद उनके पैर से टकराई, वहीं पर लुड़की। इस बीच रन लेने का कोई समय नहीं था। फिर तक मतलब फ्लैटेड गेंद, लेकिन इस मतलब बहुत ही लालच दी थी, सीधे गेंद स्लॉट में उसे भेज दिया कॉ कॉर्नर सीमा रेखा के ऊपर पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। टपा टप 3 छक्के लगा दिए दोस्तों अवधूत ने। इस मरतबा फटका फंसा हवा में गेंद है और अच्छा कैच। बहुत ही अच्छा यहाँ पर संगीत बजाया दोस्तों डीजे दिनेश ने। लगातार 3 षटकार ठोके थे, कमाल की बल्लेबाजी की थी अवधूत ने। लेकिन एक गेंद चकमा दे गई, थोड़ा सा मिसटाइमिंग हुआ और अच्छा कैच लपक लिया खिलाड़ी ने और इस तरह से दोस्तों अवधूत की इनिंग का अंत हुआ 24 रन। मुरारी 5 गेंदों में 24 रन, लगभग 250 का स्ट्राइक रेट, 500 का स्ट्राइक रेट, 5 गेंदे और 21 रन तो 350 का स्ट्राइक रेट तो नो डाउट होगा ही। जिस तरह से बल्लेबाजी की, 400 का स्ट्राइक रेट, 5×4=20। सिकंदर को एक कामयाबी यहाँ पर मिली, हल्के हाथों से खेला था। यहाँ पर थोड़ी सी गेंद हवा में ज़रूर थी, कोशिश अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट होता तो शायद ये कैच बन सकता था। लेकिन भारी भक्कम शरीर के होने के कारण कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं की। दूसरा ओवर समाप्त हुआ, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 25 2 विकेट के नुकसान पर। सलामी जोड़ी इस वक्त बीच मैदान
मैदान से बाहर हो गई और बीच मैदान पर बिल्कुल नई जोड़ी इस वक्त हम देख सकते मुरारी और तेजस बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अवधूत ने हमारे गुणा लेखक सागर राणे जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अंत तालिका में आंकड़ेवारी कर रहे दोस्तों, और उन्होंने कहा था कि 21 रन बनाए थे अवधूत ने, 3 शानदार छक्के जड़े थे। साहिल कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल सके इस मैच में, लेकिन अब जिम्मेदारी होगी तेजस और मुरारी पर। सूरज की तेज होना चाहिए तेजस में, देखना क्या यहाँ पर तेजस कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने टीम के लिए। शिवाय 11 बीजगर, जबकि गेंदबाज है नईम। पहली ओवर की समाप्ति पर केवल रन बने थे 6। दूसरी ओवर महंगी साबित हुई, 19 रन खर्च किए। हवा में गेंद, यहां पर मौका है सिकंदर के लिए, और 2 रन भी मुकम्मल किए। मुरारी ने सत्ताईस रन, 2 ओवर में 25 थे, पहली ओवर में 6 आए थे, दूसरी ओवर में सिकंदर ने 19 रन खर्च किए थे। सईद ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, केवल 6 रन दिए थे। और तीसरे गेंदबाज जो कि अयान यंगस्टर की जानिब से आजमाए जा रहे नईम, इस मरतबा दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी, खराब गेंद जमीन पर पड़ने के बाद गेंद बिल्कुल लेगस्टिक को छोड़ती हुई निकल गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 रन अतिरिक्त मिलेगा, 28 पर रनों की संख्या पहुंची है 2 विकेट के नुकसान पर। नईम मुरारी के लिए, ओहो इस मरतबा देखिए पटकी हुई गेंद थी, ऊंचाई ज्यादा है, क्या यहां पर कैच होगा या फिर बढ़िया कैच।
जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बल्लेबाज आक्रामक होगा, वेल सेट होगा और इस तरह के स्ट्रोक देखने को मिलेंगे। बॉल दिया, टोटल मूव्स ऑन टू 36 एंड तेजस मूव्स ऑन टू 4। तेजस इस वक्त अपने दो डबल की सहायता से 4 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है, जबकि टीम का मजमू स्कोर हो चुका है 36 रन। चला थोड़ा सा स्पीड अप करा विनंती असेल, कारण खूपच वेळ जातोय। पहिलं सत्र संपवायला जवळजवळ 20 मिनिटं झालेली आहेत। विनंती असेल खेळाडूंना, आपण थोडासा उशीर आल्यामुळे नक्कीच थोडा वेळ वाया गेलेला आहे, त्याची आपल्याला खऱ्या अर्थाने रिकव्हरी करायची आहे। इस पर तब थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा आउटसाइड लेग स्टिक थी, अंपायर जी को कोई दिक्कत नहीं आई। फिर से एक मरतबा एक रन से अतिरिक्त रनों से रनों की संख्या आगे बढ़ेगी 37 रन, 37 ऑन स्कोर बोर्ड। नईम का ये ओवर बहुत ही लंबा होता जा रहा है, 3 वाइड गेंदे फेंके नईम ने। हाँ, इस मरतबा सटीक लाइन पर थी, बिल्कुल वाइड यॉर्क कराने की कोशिश की थी, और बिल्कुल जो वाइड की लाइन होती है उससे गेंद को अंदर की तरफ थोड़ा सा घुमाया और जिसके कारण ये गेंद आई बिंदी। 3 ओवर की समाप्ति, 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे मुरारी, साहिल और अवधूत। इसमें अवधूत ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, ताबड़तोब बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के जड़े थे, 21 रन बनाए थे। अब जिम्मेदारी उठानी होगी ये दोनों ही बल्लेबाजों को, गणेश और तेजस को। चला शेवटचे 6 चेंडू आहेत, लक्षात असू द्या, 4 षटकांचा सामना असेल, निर्धारित 4 षटकांमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त धावा करावे लागतील, कारण आज ही खेळपट्टी नक्कीच फलंदाजीसाठी पोषक आहे। कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा भरपूर या खेळपट्टीवर धावा जमवल्या होत्या, एकूण निखिल पारवे याने 3 इनिंगमध्ये 80 धावासुद्धा कुठल्या आहेत मित्रांनो, 2 अर्धशतकसुद्धा या कालच्या दिवसामध्ये झळकवण्यात आलेले होते कुणाल आणि साईच्या माध्यमातून, परंतु मला असं वाटतं ते दोन्ही फलंदाज मात्र या स्पर्धेतून बाहेर गेलेले आहेत। नाही नाही, षटक पंतांच्या उजवीकडून गोलंदाजी करतोय, हा नो बॉल घोषित करतोय, एक रन आणि फ्री हिट। अय्याद हा चेंडू ऑनलाईनच्या दिशेने फटकारला आहे, 1 धावेसाठी पळाले, चेंडू जाते सीमारेषेकडे, 2 धावा झाल्या आहेत, तिसरा धाव घेऊ का नको, 2 धावांवर समाधान मानावं लागते, 2 धावांमुळे धावसंख्या होती आहे 41। 4 षटकांचा हा सामना, 4th षटक, अय्याद पंचांच्या उजवीकडून मारा करतोय, ज्याला राऊंड विकेट म्हणतात, राऊंड विकेट पद्धतीचा मारा आहे, फलंदाज सफल झाला आहे, जोरदार तडकावर आहे मिड विकेटच्या दिशेने 1 धावीसाठी आणि मिस फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षण चूक झाली आणि 2 धावा घेतल्यात फलंदाज गणेश खेळतोय 7 धावांवर। अय्याद पुन्हा एकदा सज्ज, नांदी क्रिकेट क्लबने आयोजित केलेली या स्पर्धेचा हा 3रा दिवस, जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाकडे जातोय, 1 धावीवर समाधान मानावं लागतंय गणेशला। गणेश खेळतोय 8 धावांवर, संघाची धावसंख्या 33।
44 एक फाइटिंग स्कोर झालाय 4 षटकासाठी पुन्हा एकदा अय्या आता मात्र ओव्हर द विकेट मारा करतोय हा उंच उडालाय झेल काय होणार नाही नो मॅन लँड मध्ये दोन धावा धावून तिसऱ्या धावेसाठी पळतायत आणि यष्टीरक्षक चेंडू येईपर्यंत 3 धावा पूर्ण केल्यात 3 धावेमुळे संघाची धावसंख्या होती 47 पुन्हा एकदा अय्या संज ओव्हर द विकेट मारा करतोय अय्या हा मात्र चांगला चेंडू होता खोलवर टप्प्याचा चेंडू एक धाव मिळते गणेशला गणेश 9 धावांवर संघाची धावसंख्या 48 शेवटचा चेंडू ना शेवटचा चेंडू चला नवीन बॅट्समन जा मैदानात उगाच वेळ वाया घालू नका नंतर होणारे सामने मग 3 किंवा 2 षटकांचे असतील गणेश मला वाटतं सुरुवातीपासून तुम्हीच लक्ष देत नाही आणि मग सायंकाळ होता होता दिवस मावळता मग सामन्याची षटक सुद्धा कमी करावी लागतात थोडी आपण खबरदारी घ्या मित्रांनो विनंती असेल आपण चांगला क्रिकेट खेळा मित्र म्हणेन चांगला चेंडू एक धावीसाठी पळले एक धाव पूर्ण केले संघाची धावसंख्या झाली 49 आणि हा समोरच्या संघाला लक्ष ठेवलंय 50 धावांचं कुसगाव संघासाठी 50 धावांचं लक्ष आहे यंगस्टार कुसगाव या संघाला सामना जिंकायचा असेल तर 50 धावांचा पल्ला गाठावा लागेल जो एक नक्कीच आपल्या समोर एक मोठं आव्हान असेल 4 षटकांमध्ये विनंती असेल कॅप्टनला यंगस्टार कुसगाव संघाच्या की आपली सलामीची जोडी आपण लवकरात लवकर खेळपट्टीकडे पाठवायची आहे यंगस्टार कॅप्टन यंगस्टार कुसगाव संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपली सलामीची जोडी आपण लवकरात लवकर खेळपट्टीवर पाठवायची आहे कारण दिवसातील हा दुसरा सामना आहे 1:30 वाजूनसुद्धा गेलेले आहेत एकूण 7 सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत आजच्या दिवसात एक शेवटचा सामना महत्त्वाचा असेल क्वालिफाईड राऊंड असेल बक्षीसपात्र सामना असेल लक्षात असू द्या तुम्हा सर्वांना मी माहितीसुद्धा करून देत आहे अशी वेळ येऊच नये की आपल्याला सामन्याची षटकं कमी करावी लागेल अशी वेळ आपण आणू नका ही विनंती आहे आणि या तुम्हा सर्व खेळाडूंच्याच हातात आहे आता पर्याय तुम्हीच निवडायचा आहे की तुम्हाला 4 षटकं खेळायची आहे की 2 षटकं हिरकणी वाडी वर्सेस बंडा 11 कोतुर्डे दोन्ही संघ या ठिकाणी आलेले आहेत दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे टॉस करण्यासाठी या ठिकाणी आपण आला असाल तर नक्कीच लवकरात लवकर व्यासपीठावर समोर या काही मायबाप रसिक बिचारे उपाशी पोटी या ठिकाणी बसलेले आहेत अशा दर्दी रसिकांचा सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतो आणि नक्कीच हे रसिक दर्दी आहे म्हणून या छोट्याशा गावामध्ये आपल्याला गर्दी दिसते रसिक दर्दी आहे काय दर्दी आहे आणि आपण नेहमीच बोलतो क्रीडांगणावरती हा केंद्रबिंदू असतो मायबाप रसिक म्हणजे केंद्रबिंदू असतो मित्रांनो मैदानावरचे ते नसले तर त्या सामन्याला किंवा स्पर्धेला कोणताही अर्थ उरत नाही आहे
म्हणून मायबाप रसिकांचा पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। ऑनलाइन जय गणेश स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून जे कोणी आमच्या सोबत जोडले गेले असतील त्या सर्वांचा सुद्धा मी नक्कीच सहर्ष स्वागत करतो। आणि हा सामना आपण पाहतोय मित्रांनो, यंगस्टार कुसगाव विपक्ष बिजगर शिवाई 11 बिजगर अशा या दोन्ही उभय संघामध्ये रंगलेला आहे। प्रथम फलंदाजी करताना शिवाई बिजगर या संघाने 50 धावा केलेल्या आहेत। चला दोन्ही संघाला विनंती असेल आपण टॉस करण्यासाठी या ठिकाणी या बंड्या 11 कोतवडे विपक्ष हिरकणीवाडी। चला आता आपण उशीर केलाय, आता आपली कोणती सबब ऐकली जाणार नाही। आयोजकांनी लवकरात लवकर या ठिकाणी येण्याची आपल्याला कृपा केलेली आहे, विनंती केलेली आहे। तो एक अच्छा मुकाबला होगा क्योंकि 50 रन एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया, एक फाइटिंग स्कोर इसको हम कह सकते हैं जरूर। चार ओवर पर मुश्तमिल ये मुकाबला, और अगर देखा जाए निर्धारित चार ओवर में 13 के औसत से बल्लेबाजी करनी है तो ये आसान नहीं होगा। हालांकि इसी मैदान पर दो बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक भी मुकम्मल किया था, कुणाल और साई ने, दोनों ही ने 69 रन बनाए थे। कुणाल ने तो बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 10 छक्के लगाए थे, लेकिन साई की बात की जाए तो साई ने 6 छक्के और 4 चौके भी लगाए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये गेंदबाज के लिए ये खेलपट्टी जो है वो पोषक है, मददगार है। अगर आपके अंदर वो सलाहियत हो, काबिलियत हो, वो टेम्परामेंट हो, स्किल हो, पोटेंशियल हो, तो मुझे लगता है कि इस मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी भी की जा सकती है। इसी मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी मसूद गजगे ने भी की थी, आतिश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, अरसलान पल्लवकर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो ये मैदान पर ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं हो सकती है, बल्लेबाजी भी हो सकती है। नईम ब्लू स्टार बिरवाड़ी के बल्लेबाज ने एक इनिंग में 33 रन बनाए थे, दाबोल बादशाह के समीर ने 22 रन बनाए थे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ बल्लेबाजी के लिए भी ये खेलपट्टी जो है, ये पिच जो है वो बहुत ही मददगार रही है। अब ये आई हुई सलामी की जोड़ी यंगस्टार कुसगांव की जानिब से नईम और शहबाज। नईम ने गेंदबाजी में थोड़े से खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन शहबाज के ऊपर प्रारंभिक जोड़ी के रूप में स्ट्राइकर बल्लेबाज की भूमिका निभाने के लिए मौका दिया है कप्तान ने। पहली गेंद तेजस, खराब गेंद, बहुत ही ज़्यादा बाहर, मुख्य अंपायर संदीप जी माने का इशारा आता हुआ। यह पहली गेंद गई है यंगस्टार कुसगांव के पक्ष में, क्योंकि यह पहली खराब गेंद थी। धीमी गति की गेंद तेजस की, और शहबाज कहीं ना कहीं जगह से ही अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास कर रहे, सही दिशा में टप्पा, बहुत ही बढ़िया। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो अभी तक उन्होंने गेंद को पिच किया है, शहबाज से दूर गेंद रखा है। फिर से एक मरतबा देखिए, इस बार इंतज़ार किया लेकिन सीधे खेल बैठे मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, शहबाज को लौट। पहले विकेट का पतन 1 रन के स्कोर पर शहबाज के रूप में यंगस्टार कुसगांव को लगा। यह बहुत ही बड़ा झटका होगा क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाज के अंदर कुछ काबिलियत होती है जिसकी वजह से उनको बल्लेबाजी में ऊपरी क्रम में भेजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज शहबाज ने अपनी टीम को निराश किया, अपने गाँव वासियों को निराश किया। इस वक्त कुसगांव की पूरा गाँव दोस्तों उनकी निगाहें लगी होगी अपने मोबाइल में, हैंडसेट में, क्योंकि उनके गांव की टीम खेल रही है और उनको फ़ख्र होगा अपने गांव की टीम पर। हर कोई दोस्तों आज मोबाइल पर बैठा होगा, जो यहां तक नहीं पहुंच सका, जो अपने काम में मसरूफ़ है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जय गणेश स्पोर्ट्स के माध्यम से वो घर बैठे भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं। ये पूरी उपाय योजना यहाँ पर आयोजकों ने की है, इसका पूरा श्रेय दोस्तों नाते गाँव वासियों को जाता है, जिन्होंने एक छोटे से गाँव में
बिल्कुल, ये सह्याद्री के रंग पर्वत के तले ये मैदान में एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हम देख सकते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक पर्वत, और बिल्कुल जहां पर रायगढ़ का किला जिसकी राजधानी तख्तपोशी हुई थी, बिल्कुल सेफ किला, ये पहाड़ों से घिरा हुआ। रकबे के लिहाज से ये गांव बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा गांव है, क्योंकि मैं दो दिन घुमा भी था। हालांकि बस्ती छोटी है, 400-500 घर की बस्ती है, हज़ार घर है। हालांकि मैंने जो जानकारी प्राप्त की थी, मेरे को लगता है वो शायद 2011 का सर्वे था जिसमें 495 घर की नोंद है और 2100-2200 की लोकसंख्या वस्ती, लेकिन अब वो वस्ती भी बड़ी होगी, लोकसंख्या भी बड़ी होगी, पॉपुलेशन बड़ी होगी। यहाँ पर कुछ अच्छे रन लिए गए हैं ज़रूर, तेजस की गेंदबाजी पर एक विकेट पहले जल्दी गिरा था, लेकिन उसके बाद आने वाले बल्लेबाज भावेश और नईम के दरमियान केवल 2 रन की पार्टनरशिप। इस बीच शानदार स्ट्रोक खेला है गैप में, और इस बार गेंद नहीं, ये गेंद देखिए अंदर रुकी है। अनफॉर्चुनेटली गेंद जमीन पर पड़ने के बाद पीछे की तरफ मुड़ी, यानी कि कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य कह सकते हैं हम यंगस्टर कुसगांव के। कैसा लग रहा था कि गेंद नो डाउट वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि 99% आपका खेल और 1% किस्मत का साथ होता है तो भी आपके पास से पलटते हैं, लेकिन आज किस्मत का साथ कहीं ना कहीं बिजगर के साथ रहा। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर तेजस अपनी ओवर को बढ़ाते हुए दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर के बाएं जानिब से धीमी गति की गेंद, रिपीटेड शॉट खेला लेकिन हवा में खेला था और एक आसान सा कैच यहां पर ड्रॉप कर दिया है। ये मौका था दोस्तों, ये मौका था ज़रूर, और यहाँ पर रनआउट का मौका, और ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया, बल्लेबाज आउट, बेहतरीन विकेट यहाँ पर हासिल हुआ, और ये दूसरे विकेट का पता।
है, आखिरकार वही हुआ और नॉन स्ट्राइक एंड का बल्लेबाज राउंड होकर वापस पवेलियन में। तीन विकेट के नुकसान पर न्यू कमर अयान अयान और सेफ के लिए बड़ी जिम्मेदारी। देखिए यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किया था, भाग्यशाली भी रहे, बल्ले का बिल्कुल निचले हिस्से में गेंद टकराई थी और बिल्कुल स्टंप के करीब से, विकेटों के करीब से गुजरी थी। बहुत भाग्यशाली दोस्तों यहाँ पर सैफ और अयान के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे ये गेंदबाज। गेंद खराब जिसका फायदा उठाया, जड़ दिया डीप मिड विकेट, सी मारे से के बाद वन नो बॉल अंपायर का इशारा और 6 रन। सम्राट की ये ओवर महंगी होगी क्योंकि सम्राट ने कुछ गेंदें अच्छी डाली लेकिन कुछ खराब गेंदें डाली जिसका फायदा सैफ ने उठाया। देखिए एक शानदार छक्का जड़ दिया था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। दो बीमर थे शायद, ये मेरा है ना, दोन बीमर होते म्हणून नक्की आता गोलंदाज सुद्धा बदलेल। और इस 7 रन के साथ अगर बात की जाए तो रनों की संख्या अब मात्र तेजी से बढ़ी है और सीधे पहुंची है 15 रनों पर। 8 पे से देखिए सेंसेक्स में किस तरह से उछाल आया है और अब रनों की संख्या 15 रन। चला सामना शुरू करा, विनंती है तुम्हारा सर्वाना मित्रांनो, बिजगर शिवाय 11 बिजगर संघाच्या कॅप्टनला माझी विनंती असेल, आपण नक्कीच पहिला सामने खेळायचा जायच्या आधी आपण एक मीटिंग घेतलीच असेल, आपण सर्वांनी नक्कीच योग्य तो निर्णयसुद्धा घेतलेले असतील, निर्णय तुमच्याकडे पेंडिंगसुद्धा असतील की कशा वेळेला कुठल्या सिच्युएशनमध्ये कोणता गोलंदाज आपल्याला वापरायचा आहे। मंडा 11 कोतुर्डे या संघाने नाणेफेकचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि हिरकणीवाडी या संघासाठी प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रण दिलंय। 15 रन 51 रनों का लक्ष्य है। यहाँ पर अब गेंदबाज चेंज होगा, जी पटकी हुई गेंद थी, लेग ब्रेक थी, बिल्कुल राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है लेफ्ट आर्म। ओहो यहाँ पर करीबी मामला हो सकता था लेकिन अपने बढ़ते हुए कदम को रोका, मना किया था अयान ने क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता था। बिल्कुल अयान ने खतरे को पहचान लिया था, अगर जल्दबाजी करते तो नो डाउट शायद अयान को रनआउट भी होना पड़ता। इस वक्त बिल्कुल समय की पराकाष्ठा को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि इस वक्त समय अपने लिहाज से नहीं चल रहा है और अपना इरादा बदल दिया, ये बहुत अच्छी बात है। 1 रन मिला, 16 रन। अयान पहली मरतबा स्ट्राइक पर होंगे, गेंदबाज जो कि सम्राट की जगह उनके गेंदे कराने के लिए। शुभम बैकफुट से देखिए, बैक पंच देखिए क्या खूबसूरत, बैक लिफ्ट इसको कहते हैं, जड़ दिया एक शानदार छक्का काउ कॉर्नर के सीमा रेखा के ऊपर से। बिल्कुल 16 के ऊपर संदेशा दी और गेंद को पहुंचाए 22 रनों के लिए, 16 से 6 22। जी हाँ इस बार अच्छी गेंद, देखिए इस बार थोड़ी सी फुलर डिलीवरी थी, गुड लेंथ स्पॉट पे से गेंद को थोड़ा सा एक अतिरिक्त उछाल दिया था इस गेंदबाज ने। बच्ची भी 12 गेंद है, 22 रन हो चुके हैं, 39 रनों की मजीद दरकार है, 29 रनों की आवश्यकता है, 12 गेंद है 29 रन, 14.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी, 14.50 याद रखिए, 14.5 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी।
51 ला विन आहे, लक्षात असू द्या। 22 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत, 29 धावांची गरज, 12 चेंडू, 29 धावा, 51 टू विन। हा सामना जिंकण्यासाठी 51 धावांची आवश्यकता आहे। प्रथम दोन षटकामध्ये 22 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत। अरे 51 रे बाबा, पन्नास धावांला विजय आहे, विन आहे, लक्षात असू द्या। 28 धावांची गरज, 12 चेंडू, 12 गेंदी, 28 रन, पटकी हुई गेंद, कदम का बेहतरीन इस्तेमाल, जड़ दिया, गुड यूज ऑफ इट, 6 रन। ग्यारह गेंदे, 22 रन। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी को भीड़ती हुई गेंद बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गई, और यहां पर दो रन आसानी के साथ मुकम्मल किए सैफ ने, अयान ने, और इस दो रन के साथ 30 रन हो चुके हैं। 20 रनों की आवश्यकता, 10 गेंदे, 20 रन। अब 10 गेंदे और अगर आज के हिसाब से देखा जाए 20 रन तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले यही काम करने के लिए अर्जुन की तरह एक आंखों पर पट्टी बांधकर मच्छी को भेजने के बराबर वो काम होता था, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक पराक्रमी कौरव भी 10 गेंदों में 20 रन बना सकता है। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी सैफ और अयान कर भी रहे हैं। दो रन आसानी के साथ सैफ ने मुकम्मल किए, 32 रन, 18 की ज़रूरत, 9 गेंदे आना शेष। हद इतनी करो कि हद की इंतहा हो जाए और कामयाबी इस तरह मिले कि वो भी एक दास्तान हो जाए, तो हद इतनी करनी चाहिए, अपने कोशिश की इंतहा होनी चाहिए, तब जाके आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर एक रन मिला, 33 रन, 17 रनों की आवश्यकता, 8 गेंदे, 17 रन, 8 गेंदे और मैच को जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। बहुत ही अच्छा मुकाबला होने को है दोस्तों। नातेगांव पुरस्कृत आमदार चषक 2023 का यह दूसरा मुकाबला एक बेहतरीन और रोमांचक स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। कौन जीतेगा दोस्तों, कामयाबी किसके कदम चूमेगी, किसके गले में आया जीत का सहरा होगा, कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों। अभी यह मैच जो है बिल्कुल 50-50 है, कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं कह सकते इसको कि ये भाई यही टीम जीतेगी, क्योंकि इस वक्त मैच बिल्कुल बैलेंसिंग मोड पर खड़ा है। यहाँ से जो अच्छा खेल करेगा वही जीतेगा। गेंदबाज की कोशिश होगी कि यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज करने वाली टीम हावी हो सकती है। अगर विकेट निकालने में सफल नहीं हुई तो मात्र कहीं ना कहीं यह मुकाबला यंगस्टार कुसगांव की टीम जीत सकती है। 8 गेंदे, 17 रन, क्योंकि इस वक्त देखिए हालांकि गेंद और रनों के दरमियान का डीके फासला बहुत है, लेकिन जिस तरह से हौसले बुलंद है, आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है सैफ और आयान का, क्योंकि आयान ने जो जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया, सैफ ने एक शानदार छक्का जड़ा था, तो उसकी वजह से उनके हौसले बुलंद है। 8 गेंदे, 17 रन, 8 गेंदे, 17 रन, हाँ जी हाँ, पटकी हुई गेंद, इस बार हवा में गेंद लहरा रही है, अच्छा कैच, बढ़िया कैच दोस्तों।
उस गांव को लगने वाला मुस्तफा के रूप में ये दूसरा झटका। साहिल जी हाँ, इस बार कदमों का इस्तेमाल, दो टांगों के बीच में डाली हुई फेंकी हुई ये गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से, अंपायर जी का इशारा यस फोर बॉल। चार गेंदे 13 रनों की जरूरत। चार गेंदे 11 रन। हाँ, फिर से एक मतलब कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात है, मौजूद है। मंसूर ने देखिए, मंसूर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर दो छक्के जड़ते और अपनी टीम को जीत दिलाते, क्योंकि इस वक्त 12 रनों की ही जरूरत है। गेंदे बची है तीन गेंदे 12 रन। मंसूर फेसिंग टू साहिल, हाँ या वेलेस मात्र दांडी 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 गुल।
दोस्तों देखिए हैट्रिक के यादी में हैट्रिक वाले जो गेंदबाज थे उनके यादी में अपना नाम साहिल ने दर्ज किया दोस्तों। पहले हैट्रिक मुकम्मल की थी मुशीर ने, अनिकेत भाई समर्थक टीम महाड़ के विरुद्ध 3 विकेट लिए थे एक ही ओवर में। फिर तारिक ने टेम्पाले के विरुद्ध अपनी हैट्रिक मुकम्मल की थी। सकपाल सर ने मोपरे के विरुद्ध अपनी हैट्रिक मुकम्मल की थी। दानिश ने तुड़िल के विरुद्ध हैट्रिक मुकम्मल की थी। और अभी अभी साहिल ने कुसगाव यंगस्टर के विरुद्ध अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। साहिल साठी एकदम जोरदार टाळ्या होऊया। हाँ आखिर गेंद निर्धाव और इस तरह से ये मुकाबला दोस्तों बीजगढ़ ने जीत लिया शिवाई 11 ने। बहुत बहुत बधाई अभिनंदन शिवाई 11 बीजगढ़ की टीम को दोस्तों। और हार्ड लक कहूँगा मैं यंगस्टार कुसगांव को, हालांकि अच्छी शुरुआत की थी दोस्तों आयान। और स्पेशली अगर सैफ की बात की जाए, सागर मुझे बता रहे हैं कि सैफ ने सर्वाधिक रन बनाए थे 19 रन। शानदार पारी खेली थी, फंटास्टिक नॉक किया था, लेकिन अपनी टीम को मैच विनर या मैच विन करना नहीं पाई। ये कहीं ना कहीं उनके दिल में संवेदना रहेगी, इसका दर्द रहेगा, इसका अफसोस रहेगा कि आज इतने अच्छे टूर्नामेंट में आमदार चषक में प्रतिष्ठे की स्पर्धा में मानाचे स्पर्धेमध्ये कुठेतरी मला संघाला विजय करून देता आलेला नाही आहे याचा कुठेतरी एकदा मनात नक्कीच खंत असेल, कायमचा वरण करून जाईल, कारण मोठी स्पर्धा आहे मित्रांनो। प्रत्येक संघ नक्कीच या ईर्षेने या आशेने आलेला आहे का या स्पर्धेमध्ये आम्ही बक्षीसपात्र सामना खेळावा, कारण आजच्या दिवसामध्ये एक संघ आणखीन बक्षीसपात्र होईल। हो ये कॅब गेली बघ।